हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इसमें हम ओवरव्यू लेंगे दो टॉपिक्स का जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए थे। एक तो ह्यूमन वैल्यूज एंड अनदर वन इज मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन लाइफ। तो ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इट अगेन एंड अगेन। सो इसलिए फटाफट सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। सो ह्यूमन वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड विद ह्यूमन लाइफ। नो ह्यूमन लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज आर दोज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ड्राइवर्स ऑफ एक्शंस विच आर फाउंड इन ऑल कल्चर्स, ऑल सोसाइटीज, ऑल टाइम्स एंड इन ऑल प्लेसेस वेयर ह्यूमन बींग्स एक आउट देयर लाइव्स। यानी कि जहाँ कहीं पर भी इंसान है वहाँ पर वैल्यूज होंगी। ह्यूमन वैल्यूज आर अ सेट ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर्स एंड मेजर्स दैट गाइड ह्यूमन बींग्स इन डूइंग वॉट इज राइट एंड एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। ये बात पहले भी कर चुके हैं कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है, कि कुछ ऐसे काम, ऐसे मूल्य जो हमें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलवाए। दे अट्रैक्ट डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड अप्रोप्रिएटनेस अमंग पीपल। ह्यूमन वैल्यूज आर पीपल्स बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स, सिचुएशंस और अदर पीपल। कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, ये सारी बातें किस पर डिपेंड करती है, किसी इंसान की वैल्यूज पर। सो द फाइव ह्यूमन वैल्यूज विच कैन बी फाउंड इन ऑल कल्चर, सोसाइटीज एंड रिलीजन आर ट्रुथ, जिसमें सब वैल्यूज आती हैं, ट्रुथफुलनेस, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, राइट कंडक्ट, जिसमें सब वैल्यूज आती हैं, मैनर्स, हेल्पफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, परसिवियरेंस, करेज, लव, इसकी सब वैल्यूज हैं, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, फॉरगिवनेस, जेनरॉसिटी, कंपैशन, टॉलरेंस, पीस, जिसमें आती हैं पेशेंस, कंसंट्रेशन, पॉजिटिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, थैंकफुलनेस। एंड नॉन वायलेंस में सब वैल्यूज आती हैं, कंसिडरेशन, कॉपरेशन, लॉयल्टी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, एक्टिव सिटीजन। अब जरूरी नहीं है कि आप यही सारी सब वैल्यूज लिखें। जब मेन वैल्यूज आपको पता है तो सब वैल्यूज अपनी तरफ से भी कोई भी तीन चार आप लिख सकते हैं, मर्ज करके भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे जो भी आपको याद रहता है वो आपको बस लिखना है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? कॉन्सेप्ट है, आइडियाज हैं, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, प्राइमरली एथिकल है, सोशल है एंड सब्जेक्टिव है। कि हर किसी की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। वैल्यूज आर द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी का सार है, डायनामिक है, चेंज होती रहती हैं, आर पावरफुल इमोशनल कमिटमेंट्स। इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यूज की? मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, कॉपरेशन की फीलिंग हो, कोलैबोरेशन की फीलिंग हो, केयरिंग नेचर हो, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्मनी, फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, फॉर डेकोरेशन ऑफ सोल। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज कैसे है? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एस्थेटिक वैल्यूज, बॉडीली वैल्यूज, बिहेवियरल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, एडुकेशनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मॉरल, पर्सनल, कल्चरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मिलती कहाँ से है? तो ऑब्वियसली अपने आसपास से मिलेंगी। तो इसमें जो हमने फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज करी थी वो हम डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली, स्कूल, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर्स, बुक्स, प्रोफेशन, मीडिया, रिलीजन, एनजीओस के जरिए, बुक्स के जरिए, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी के जरिए, साइंस के जरिए, इन सभी चीज़ों से हमें वैल्यूज मिलती हैं। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ इनकल्केशन, कि कैसे हम बच्चों के अंदर वैल्यूज ला सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। जब हम फॉर्मल मेथड्स के जरिए, फॉर्मल सेटिंग्स में बच्चों के अंदर वैल्यूज ला रहे हैं, डायरेक्टली हम उनमें वैल्यूज ला रहे हैं, जैसे बुक्स, जैसे मॉरल साइंस की बुक लगी होती है, फिजिकल एजुकेशन की बुक्स लगी होती हैं, एक्टिविटीज प्लान करके प्रॉपर स्टोरी के जरिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा के उन्हें, वर्कशीट आफ्टर क्लास यानी कि वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जरिए हम वैल्यू इनकल्केट करवा सकते हैं, करिकुलम में कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें रख के प्रॉपर क्लासेस लेके उनकी, कि हाँ अच्छे हैबिट्स क्या होती हैं या अच्छी वैल्यूज क्या होती हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी डायरेक्टली उन्हें बता के और एक प्रॉपर डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस रख के जो वैल्यूज सिखाई जाती हैं वो डायरेक्ट मेथड में आती हैं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच आती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि मान लीजिए टीचर क्या है, साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यानी साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, या बच्चों को बताने लगे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए। यानी कि अलग से नहीं पढ़ाई जा रही है वैल्यूज, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा दी जा रही हैं, यानी इनकल्केट करा दी जा रही हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जरिए हम बच्चों में वैल्यूज ला सकते हैं, जैसे डिबेट, कॉम्पिटिशन्स, कल्चरल मीटिंग्स, डांस, नेशनल डेज, फेस्टिवल सेलिब्रेट करके। इससे हम बच्चों के अंदर क्या है, कोलाबोरेशन की वैल्यूज ला सकते हैं,
सोशल वैल्यूज ला सकते हैं, मॉरल वैल्यूज ला सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए, जैसे पिकनिक वगैरह, NSS, NCC, इन सारी चीजों के जरिए हम बच्चों में वैल्यूज ला सकते हैं। इंसिडेंटल मेथड हो सकता है, इंसिडेंटल यानी जो अचानक से हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कोई नया बच्चा आया है क्लास में, तो किसी बच्चे ने उसे नोटबुक दे दी, तो ये क्या हुआ, इंसिडेंटल वैल्यूज हुई, कि वो पहले से सोच कर नहीं बैठा था, उसने दी तो टीचर ने देखा कि हाँ ये इसकी वैल्यूज है, तो टीचर ने उसे प्रेज किया, तो दूसरे बच्चे भी उससे सीखेंगे। तो ये कोई पहले से निर्धारित तो नहीं था कि दूसरे बच्चे उससे सीखेंगे या नहीं, तो ये इंसिडेंटली बच्चों ने क्या करी, वैल्यूज इनकलकेट कर ली। तो चलिए अब फटाफट से सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू हाउ समवन थिंक्स अबाउट, इवेल्युएट्स और परसीव्स देमसेल्फ। इट इज द इमेज दैट हैव ऑफ आवर सेल्फ, हाउ वन परसीव हिज और हर बिहेवियर, एबिलिटीज एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर दैट वी हैव ऑफ आवर सेल्फ आएगा, यानी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स हमारा अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है कि मैं बड़ा टॉकेटिव पर्सन हूँ, आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, कोई ऐसे बोलता है, कोई बोलता है कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, कोई बोलता है आई एम इंट्रोवर्ट, यानी कि हमारे हमारे बारे में जो विचार हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू जॉयस ब्रदर्स, अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द कोर ऑफ हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि जैसे हमारे बारे में विचार हैं वैसी ही हमारी पर्सनालिटी होगी। रॉजर ने थ्री पार्ट्स बताए हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के। एक तो आइडियल सेल्फ, कि हम क्या बनना चाहते हैं, हु यू वॉन्ट टू बी। एक है सेल्फ इमेज, कि हम खुद को किस नज़रिए से देखते हैं, कि कुछ लोग होते हैं खुद को अच्छे नज़रिए से देखते हैं कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी ही ढूंढते रहते हैं कि मुझ में ये कमी है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। सेल्फ एस्टीम, यानी कि हम खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। सो इम्पॉर्टेंस क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट की, मेंटल हेल्थ। अगर हमें खुद के बारे में पता होगा तो हमारी मेंटल हेल्थ साउंड रहेगी, सोशल ग्रुपिंग में हमें हेल्प मिलेगी, एक्सेप्टेंस, क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, किन चीज़ों को रिजेक्ट करना है, ये चीज़ें हमें समझ आएंगी। और अगर हमारा खुद के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। क्या स्ट्रैटेजीज हैं टू बिल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ प्रेज। अगर खुद में कुछ हमने अच्छा किया है तो कोई दूसरा हमारी तारीफ करे ना करे, हमें अपनी तारीफ खुद से करनी चाहिए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, खुद को ही बोलो। फॉरगिव वन सेल्फ, कुछ गलती हो जाती है तो उसी को लेके बैठे मत रहो, उसको भूल जाओ, यानी कि ठीक है उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। बुक्स पढ़ो, रियलिस्टिक गोल रखो, कुछ क्रिएटिव करो, नई नई स्किल्स सीखो। तो इस तरीके से हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, कि हमारे अंदर क्या है, हम खुद को किस तरीके से पहचानते हैं। टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चे की प्रेज करें, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। अब ये नहीं है कि जो बच्चा एवरेज मार्क्स ला रहा है, टीचर उसे एक्सपेक्ट करे कि ये तो भैया अब एकदम टॉप पर चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, इससे बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। कंपैरिजन ना किया जाए बच्चों के बीच, क्योंकि हर किसी की अपनी एबिलिटीज है, हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी है। बच्चों से क्वेश्चंस पूछ के, जिससे उन्हें अपने बारे में क्लैरिटी हो कि वो क्या चाहते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो उनका। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि हमें क्या विश्वास है हमारे ऊपर, सेल्फ एश्योरेंस इन वंस एबिलिटीज, पावर एंड पर्सनल जजमेंट। और हम कह सकते हैं एटीट्यूड अबाउट स्किल्स एंड एबिलिटीज असेसमेंट ऑफ ओन सेल्फ वर्थ। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी को लगता है कि वो एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन है, तो ये क्या हो गया, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, कि अपने बारे में उसकी सोच है कि आई एम अ एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्या आएगा, कि मैं क्या एबिलिटीज आ गई इस वजह से उसके अंदर, कि मैं अगर कहीं पे भी बाहर जाऊं तो हर किसी के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता हूं, मुझे आइसोलेटेड फील नहीं होगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, ये एबिलिटी आ गई। तो इतना ही फर्क है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी हमें हमारे बारे में क्या पता है, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब यानी जो हम सोचते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर क्या एबिलिटीज आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स टू अचीव न्यू हाइट्स, इट प्रोवाइड्स द बिलीफ दैट इफ थिंग्स गो रॉन्ग दे कैन बी पुट राइट, दैट यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू डील विद अनएक्सपेक्टेड एंड अननोन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। यानी कि खुद के ऊपर पूरा विश्वास होना कि अगर कुछ भी गलत होता है या कुछ भी ऐसा होता है जो सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, खुद के ऊपर विश्वास होना। कितने तरीके का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक तो ट्रू कॉन्फिडेंस होता है,
यानी कि जो असलियत में ही हो, डीप इनर ट्रस्ट हो, जो गट फीलिंग हो। एक होता है फॉल्स कॉन्फिडेंस, जब हम दूसरों को दिखाने के लिए कहते हैं कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ, तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जो कॉन्फिडेंस होता है वो फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है। फिर थर्ड होता है टेम्परेरी कॉन्फिडेंस। ये कब आता है? जब कोई डेंजर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई अपना भाई बहन या पेरेंट्स या फिर करीबी दोस्त किसी डेंजर में हो, तो उस वक्त हमारे अंदर अपने आप से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इसे बचा लेंगे या हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वो क्या है? टेम्परेरी कॉन्फिडेंस है। सो आई होप आपको अब थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया हो, और अगर इनकेस क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर फ्रेम कर पाएं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।